वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, पे मैनेजर पे इंक्रीमेंट लगाते समय कुछ लोगों की समस्या आ रही है। खास करके ऐसे लोग जो कुछ माह पूर्व यानी 6 महीने से भी ज़्यादा समय हुआ इनको स्थायीकरण हुए, लेकिन उनकी सर्विस डिटेल वगैरह में अपडेट नहीं है तो उनका इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है। अब मैं आपको कुछ कारण बता रहा हूँ किस कारण से इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है और उसको कैसे सुधार किया जाए। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जैसे एक कार्मिक का मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि जैसे इनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2019 है और डेट ऑफ रेगुलर सर्विस 21/7/2023/7/2021 है, यानी कि स्थायीकरण हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है, तो जैसे इनके एक और था कि इंक्रीमेंट जो डेट है वो सही करनी थी, तो इंक्रीमेंट डेट भी पर्सनल लॉगिन से मैसेज ये फॉरवर्ड करके यहाँ 1/7/2022 हो गई है, फिर भी इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, इंक्रीमेंट की लिस्ट में नाम भी नहीं आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है मैं वो आपको बताता हूँ। अब इनके जैसे यहाँ स्टेटस पे आप देखेंगे, एम्प्लॉय स्टेटस पर चेक करेंगे तो यहाँ प्रोबेशन आ रहा है, और जब तक ये प्रोबेशन नहीं हटेगा तब तक, और यहाँ जैसे कैटेगरी में सर्विस कैटेगरी में सबऑर्डिनेट सब सर्विस कैटेगरी में प्रोबेशन आ रहा है, स्टेटस में NA आ रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन टेम्प्रेरी या परमानेंट में अभी प्रोबेशन आ रहा है तो इस कारण से ये समस्या आ रही है। अब इसका क्या समाधान होगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑथराइजेशन में जाने के बाद में एम्प्लॉय स्टेटस अपडेट आपको यहाँ करना है। अब जैसे यहाँ जिस कार्मिक आपको एम्प्लॉय स्टेटस जो अपडेट करना है उनका यहाँ आपको नाम लिखना है, और नाम लिखने के बाद में यहाँ से नाम लिस्ट आ जाएगी, इस नाम आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ नाम पे जो ब्लू कलर में आ रहा है यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही इसकी ये सारी जो डिटेल्स वो खुल जाएगी, सर्विस कैटेगरी सब ऑर्डिनेट अब सर्विस सब कैटेगरी इसमें प्रोबेशन की जगह आपको यहाँ रेगुलर करना है। उसके बाद में सर्विस स्टेटस में चलो अब जैसे सस्पेंड रिटायर्ड APO डेपुटेशन वगैरह नहीं है तो आप NA रहने दें, कोई समस्या नहीं है। टेम्प्रेरी परमानेंट में आपको यहाँ परमानेंट करना है। अब उसके बाद में कैटेगरी OBC ST जनरल जो भी है वो रहने देनी है, गजिस्टर्ड नॉन गजिस्टर्ड कोई प्रॉब्लम नहीं, NPS 1/1/2004 के बाद में मैरिड है या अनमैरिड। अब आपको यहाँ एक तो कन्फर्मेशन डेट आपको यहाँ पढ़नी है कि किस तारीख को स्थायीकरण हुआ था, तो जैसे 2021 में हुआ था तो इसमें यहाँ 2021 सेलेक्ट करके जो भी डेट थी कंफर्मेशन की वो डेट आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है, तो मैं वो डेट सेलेक्ट करके इसके अलावा नीचे जो इफेक्टिव डेट पर पेमेंट है वो आपको सेलेक्ट करनी है, फिर न्यू बेसिक पे क्या होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपको ये सेलेक्ट करना है, तो मैं ये डेट आप करके आपको फिर बताता हूँ आगे का। जैसा कि मैं आपको बता रहा था आपको यहाँ से डेट ऑफ कन्फर्मेशन डेट है वो सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में इफेक्टिव डेट ऑफ पेमेंट है वो कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है, न्यू पे लेवल यानी जो भी स्थायीकरण के बाद में लेवल 10 है जैसे तृतीय श्रेणी अध्यापक है तो L10 आपको सेलेक्ट करना है, और 33,800 इसका जो मूल न्यू बेसिक है वो 33,800 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ सेलेक्ट PDF में आपको यहाँ चूज फाइल करके आपकी जो भी फाइल है वो आपको चूज करनी है, जो स्थायीकरण आदेश है वो आपको चूज करना है। उसके बाद में यहाँ अपडेट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ जैसे अपडेट पे आप क्लिक करेंगे तो आप जैसे इसमें आ गया कि फाइल नेम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30 करेक्टर्स, तो अब मैं फाइल नेम है वो थोड़ा सा इसको रीनेम करके फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि फाइल नेम जो सेलेक्ट किया है उसकी नेम उसका थोड़ा लंबा है तो उसको शॉर्ट करना है, तो मैं आपको वो करके फिर उसको अपलोड करके बताता हूँ। अब जैसे ये फाइल नेम जो को शॉर्ट करने का कह रहा था तो मैंने फाइल नेम को रीनेम कर दिया, उसके बाद मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब अपडेट पे यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ आ गया कि स्थिति विवरण सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है, स्टेटस डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली। अब ओके पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ सबऑर्डिनेट है, उसके बाद रेगुलर आ गया, सर्विस टेम्परेरी परमानेंट आ गया, तो ये रेगुलर हो गया। अब इसको और अगर चेक करना है तो आप मास्टर डिटेल में जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं, आपको मैं वो वहाँ भी देखता हूँ बताता हूँ आपको कि वहाँ अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो आपको यहाँ राइट साइड में एम्प्लॉय की जो लिस्ट है उसमें जाकर के आपको यहाँ स्टेटस चेक करना है। अब जैसे यहाँ मैंने पहले शुरुआत में बताया था कि यहाँ प्रोबेशन आ रहा था, अब ये देखिए यहाँ पे सर्विस कैटेगरी सबऑर्डिनेट आ रही है, सर्विस सब कैटेगरी रेगुलर आ रही है, NA आ रहा है, और टेम्परेरी परमानेंट में परमानेंट आ गया। अब जैसे परमानेंट अब आ गया तो अब मैं जैसे जब भी इंक्रीमेंट लगाऊंगा तो ये इंक्रीमेंट का जो ऑप्शन है वो काम करना शुरू कर देगा। तो अब मैं आगे इंक्रीमेंट पे क्लिक करके फिर आपको आगे का जो प्रोसेस है वो बताता हूँ। अब जैसे इंक्रीमेंट लगाना है तो यहाँ जैसे मास्टर में जा करके इंक्रीमेंट बेसिक पे आपको क्लिक करना है, इंक्रीमेंट बेसिक पे क्लिक करने के बाद में ईयर फिर जुलाई 2000 हो जाएगा, इसके बाद में 7th पे है और यहाँ बिल सेलेक्ट करना है जिस बिल में कार्मिक है, यहाँ ये देखो नाम आ गया, पहले नाम नहीं आ रहा था लेकिन अब ये नाम आ गया। अब इसको जब प्रोसेस करेंगे तो
जैसे यहाँ एक बार और गौर करने वाली, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग मस्ट बी बिफोर 1 ईयर और रेगुलर सर्विस है वो मस्ट बी बिफोर 6 मंथ्स, कम से कम 6 माह स्थायी सेवा में हो चुके हों। अब यहाँ जैसे प्रोसेस करेंगे तो अब ये आ गया बेसिक इंक्रीमेंटेड सक्सेसफुली, यानी कि ये बेसिक है इंक्रीमेंट होगी। तो ये जो समस्या आ रही थी मैंने आपको उसका समाधान बता दिया कि किस तरीके से आपको ये समस्या है उसका समाधान करना है। अब जैसे कार्मिक आया, इंक्रीमेंट लग गया, अब बेसिक चेंज हो गई। अब मैं आपको बेसिक चेंज जो बेसिक है वो भी आपको बता देता हूँ कि बेसिक चेंज हुई या नहीं हुई। जैसे अभी 33,800 थी, तब जैसे यहाँ बेसिक पे क्लिक करेंगे तो अब जैसे यहाँ पे एंड बैंक पे आपको क्लिक करना है, और पे बैंक पे क्लिक करने के बाद में ये जैसे 33,800 की जगह 34,800 हो गई, और यहाँ इंक्रीमेंट डेट है 1/7/2023 ऑटोमेटिकली आ गई, जबकि शुरू में मैंने बताया था कि इंक्रीमेंट डेट है वो 2022 आ रही थी। तो इस तरह से अगर पे मैनेजर पे आपके किसी कार्मिक के इस तरह की कोई समस्या आ रही है कि इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, तो आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो मैं आपको बता दूं कि एक तो आपको कार्मिक के जो पर्सनल आईडी से इनकी जो इंक्रीमेंट डेट है वो 1/7/2022 करवानी है। उसके बाद में जो भी इसकी डेट्स है, स्थायीकरण की जो सेवा, स्थायी सेवा की डेट है वो आपको अपडेट करके सही करवानी है। इसके बाद में एम्प्लॉय की जो कैटेगरी चेंज करनी है, अपने जो स्टेटस में प्रोबेशन है उसकी जगह परमानेंट करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर ये काम आप कर देंगे तो आधो आध इनका इंक्रीमेंट लग जाएगा और इस समस्या का समाधान हो जाएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इस संबंध में अगर कोई क्वेरी है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा इसका आंसर देने का। तो इसी तरह के अपडेटेड वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।